तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट का सेकंड पार्ट, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपना पहले बैट तोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीरियर में थोड़ा ज़्यादा हम लोग को अंधेरा टाइप का लग रहा है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्सीडियन ब्लैक की जो 3 लेयर्स लगाई थी, तो मैं सोच रहा हूँ उसे तोड़ के और वहाँ पे ग्लास लगा दें ताकि नेचुरल लाइट ज़्यादा एंटर करे कोर्ट में। तो मैं यहाँ पे ज़रा तोड़ के पहले देख लेता हूँ, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं यहाँ पे ग्लास के क्यूब्स लगा दूँगा और आगे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो हमारे लाइट जो है ना इंटीरियर में काफ़ी अच्छी लाइट आएगी। तो यहाँ पर हम लोग ग्लास क्यूब्स पहले ले लेते हैं और यहाँ थोड़े से एरिया में पहले लगा के देख लेते हैं। तो थोड़े से एरिया में लगा लेते हैं तो ताकि हम लोग को अंदर से पता चले अगर यहाँ पे लाइट हम लोग को प्रॉपर मिलेगी तो हम लोग इसे यूज़ करेंगे, वरना फिर हम लोग इसे नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स अभी लगा दी हैं। अंदर जाके एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन, मतलब मिल रहा है हम लोगों को, सही लग रहा है, अंदर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ से अंदर से देख लेते हैं जहाँ पर हम लोगों ने ग्लास लगाए हैं। तो वैसे यहाँ पर लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, तो हम लोगों को लाइट यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। लेकिन इस मकड़ी को पहले मैं मार देता हूँ, ये अंदर कैसे आई। तो हट मकड़ी हट, यहाँ पे मकड़ी मर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे नेदर क्वार्ट्ज का और एक बार पहले फिक्स कर देते हैं, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा ग्लासेस जो हम लोगों के नीचे लग गए हैं इन्हें थोड़ा रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे सही लाइट आ रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब बाकी जो ऑब्सीडियन के जो लेयर्स लगी हैं तीनों, उन्हें हटा के यहाँ पे ग्लास के ही पूरी 3 लेयर्स लगा दें ताकि नेचुरल लाइट एंटर करे और अंदर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा रहे। तो हम लोग अब चलते हैं, सबसे पहले ऑब्सीडियन को तोड़ देते हैं सारे। यहाँ पे मैंने सारी ऑब्सीडियम की लेयर्स जो तीनों थी ना वो मैंने यहाँ पे तोड़ दी हैं। और यहाँ पे गोल्ड और पहले फिक्स कर देते हैं जो यहाँ पे निकल गया है, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे यहाँ पे कि तीनों लेयर्स जो है ना वो ग्लास क्यूब्स की लगा दें, जिस तरीके से गोल्ड और की 3 लेयर्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं अब सोच रहा हूँ कि मैंने सारी की सारी लगा दी हैं यहाँ पे ग्लास की लेयर्स, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर की मैट बिछा रहा हूँ जो कि 3 लेयर्स में मैंने बिछाई हुई है पूरे कोर्ट के अंदर। तो 3 लेयर्स में मैंने यहाँ पे ब्राउन की मैट बिछा ली, लेकिन उसके बाद हमें जो लास्ट की मैट है वो हमें उखाड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक मेरे को कुछ चेयर्स ऐड करनी पड़ेंगी ताकि अगर लोग यहाँ पे देखने आए तो वो आराम से बैठ सके। लेकिन मैं उसे चारों तरफ नहीं ऐड करूँगा, मैं उसे सिर्फ 2 तरफ ही ऐड करूँगा। तो फटाफट से यहाँ पर हमारी ये जो ब्राउन मैट है यहाँ पे 3 लेयर्स में मतलब पूरे कोर्ट के अंदर बिछ चुकी है, और यहाँ पे हमारे ग्लास के जो तीनों तरफ है ना ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट भी दे रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग फटाक से ये लास्ट लेयर जो है ना वो निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोग गेट की जगह कर लेते हैं ताकि हम लोग ऊपर जाके ज़रा देख पाएँ कि हम लोगों को कैसा फील आ रहा है इस कोर्ट को देख के। तो हम लोगों ने वैसे यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। अब इंटीरियर का काम हम लोग यहाँ पे चालू कर देते हैं। तो इंटीरियर में हम लोगों को
बिल्कुल ही बिल्कुल जैसा कि बैडमिंटन कोर्ट में होता है उसी तरीके से हम लोगों को सब कुछ बनाना पड़ेगा, लाइंस डालनी पड़ेगी जो कि हम लोग वाइट मैट की मतलब तरीके से लगाएंगे, क्योंकि तो क्यूब्स जो होंगे वो काफ़ी उभर के आएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे मैट ज़रूरत होगी वाइट। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे चेयर्स भी लगा देंगे। तो मैंने जिस तरह से गेट है उसके पास वाली तो दो बॉल्स हैं ना, मैं उनकी उधर ही मतलब कि सारी चेयर्स लगा दूँगा। बट उससे पहले मैं ज़रा एक मिड पॉइंट ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को नेट कहाँ पे रखना होगा। तो उससे पहले हम सारे पहले ब्लॉक्स गिन लेते हैं, टोटल ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे कितने हैं, फिर हम लोग उसे हाफ हाफ डिवाइड करके उसके बाद फिर बीच में एक सेंटर रख देंगे, ताकि हम लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से हम लोगों को नेट का जो पिलर खड़ा करना है वो भी हम लोगों को सही से पता चल जाए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काउंट कर लिया है, तो अब हम लोग धीरे से जाके ये जो वाइट ब्लॉक है वहीं पे रख देंगे, ताकि हम लोग को आगे का प्रोसीजर पता चल सके कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो यहाँ पे ये हमारा मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अब इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं चेयर्स लगाने की ओर। तो चेयर्स से पहले हम लोग यहाँ पे पहले एक लाइन पूरी ही खींच लेते हैं, ताकि हम लोग को अपोजिट साइड का भी पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा एंडिंग होगी और कहाँ पे हमारा मतलब कि दूसरे पिलर का आएगा डंडा जो भी है मार्क। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेते हैं कि ये इक्वली डिवाइड है या नहीं। तो हमें लगभग लगभग इक्वली डिवाइड है, हो सकता है एक ब्लॉक का डिफरेंस हो सकता है। बाकी अब हम लोग इसकी स्ट्रिप्स भी, बाकी की जो बची हुई स्ट्रिप्स हम लोग को जो बैडमिंटन कोर्ट में चाहिए होती हैं वो अब हम लोग बना लेते हैं। तो एक ब्लॉक छोड़ के मैं यहाँ पे एक लेयर और यहाँ पे बना रहा हूँ, तो एक लेयर पहले इधर बना लेंगे, उसके फिर दो ब्लॉक छोड़ के एक और लेयर इसकी बना लेंगे, ताकि हम लोगों को इजीली हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली लाइन खींच ली, और इसी तरीके से हम लोग अपोजिट लाइन भी पूरी खींच लेंगे। तो पहले हमारी ये फर्स्ट लाइन खींच चुकी है, अब दो ब्लॉक छोड़ के हम लोग यहाँ पे दूसरी लेयर भी बना लेंगे। तो दूसरी लेयर बन गई है हमारी लगभग, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग अपोजिट साइड भी फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा। हम लोग फटाफट से कॉलम की लाइन भी बना लेते हैं, क्योंकि मिड लाइन जो है वो तो पिलर्स की लाइन है ना, तो हम लोग ये कॉलम की लाइन भी ये लास्ट वाली खींच लेते हैं। और फिर इसी तरीके से अपोजिट साइड की भी सेम तीन लाइनें हम लोग खींच लेंगे, और फिर उसके बाद ये बीच की जो लाइन है वो हम लोग उसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे बीच की लाइन जो मतलब कॉलम की लाइन है वो भी हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोग अपोजिट साइड भी सारी लाइंस खींच लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे दो लाइन तो मैंने खींच ली थी, और फिर ये इसकी भी लाइन ये खींच गई है लगभग। उसके बाद ये लाइन खींचने के बाद हम लोग को स्ट्रेट लाइंस भी कुछ चाहिए होंगी, जो कि हम लोग उससे पहले जो एक्स्ट्रा रंगीन टॉर्च लगी है ना हमारे कोर्ट में, तो वो हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, और बीच स्टेट मतलब कि कोर्ट में इनकी क्या ज़रूरत। तो हम लोग अब इसे जो भी जितनी भी लगी है ना उन्हें रिमूव कर देंगे, जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं उन्हें भी रिमूव कर देंगे हम लोग। तो इन्हें रिमूव करने के बाद अब हम लोग जो इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस जो हम लोगों को डालनी होंगी ना, तो वो भी अब हम लोग डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पहली लाइन यहाँ पे खींच ली है, तो पहली लाइन खींचने के बाद इसी तरीके से एक और हम लोगों को लाइन डालनी पड़ेगी, उसके बाद एक सेंटर की लाइन होगी, और उसी तरीके से दो लाइन जो होंगी वो मतलब अपोजिट साइड में होंगी। तो हमारी ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये यहाँ पर पड़ चुकी है। उसके बाद ये जो ग्रास ब्लॉक होते हैं वो भी निकल जाते हैं कभी कभार, तो उन्हें भी हम लोग फिर से लगा देते हैं। और उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ के उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे सारे जो है ना एक सेकंड लाइन जो है ना बना लेंगे। तो ये जो पहले तो ये इन टॉर्च को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये टॉर्च हम लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ला रही है। तो हम लोगों ने ये टॉर्च रिमूव करके उसके सेकंड लाइन भी बना लेनी है, और फिर उधर अपोजिट साइड भी बना लेंगे। देन हम लोग फिर मिडल की लाइन खींचेंगे, और फिर एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जो होंगे ना वो डिलीट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा मैट हम लोगों की बिछ गई है। तो अब हम इसी तरीके से इस साइड भी बना लेंगे।
तो अब हम यहाँ पे बीच की भी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से अब मिड की जो लाइन है वो बिछा देते हैं मैट। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कि हम लोग का क्या ये बिल्कुल बैडमिंटन कोर्ट की तरह फील दे रहा है या नहीं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि हम लोग को और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। उसके बाद हम लोग ये बीच की लाइन डालने के बाद जो टॉर्चेस जो बची हुई हैं ना उन्हें भी रिमूव कर देंगे और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग को चेयर्स भी बिछानी होंगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स पहले जो है ना एक्स्ट्रा मैट जो भी है ना उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो जो साइड साइड में एजेस में आ गई हैं तो उन्हें हम लोग रिमूव कर देते हैं ताकि अच्छा सा हमें कोर्ट का फील दे और अच्छा से तरीके से सब कुछ मिले हम लोगों। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रिमूव कर दिए हैं। तो बाकी रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक वो भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, पिलर्स जो भी हम लोगों को ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर चेयर्स भी ऐड करनी है। तो हम लोग पहले ही इतना काम कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि और आगे इसमें क्या ऐड अप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग चेयर्स भी ऐड कर देते हैं, लेकिन ये चेयर्स जो है ना पहले हवा में ऐड करके देखते हैं, क्योंकि हाँ वरना में ये जो लास्ट की लेयर है ना मैट की वो भी हटानी पड़ेगी। तो ये हवा में तो हवा में थोड़ी ना कोई बैठेगा यार, हवा में तो सिर्फ भूत बैठते हैं। यहाँ से फटाक से हटा देते हैं ये। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हम लोग को ये मैट हटानी पड़ेगी। मैट हटाने के बाद हम लोग इसमें चेयर्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक साइड की जो है ना वो चेयर्स ऐड हो चुकी हैं और इसके अपोजिट साइज में हम लोग जो है ना वो चेयर्स ऐड कर देंगे। बस हम लोग दो ही साइड में यहाँ पे चेयर रखेंगे, बाकी ज़्यादा जगह नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो ग्रास ब्लॉक है ना वो लग नहीं रहा है, शायद इसके अंदर कुछ है। तो इसके अंदर शायद वो चला गया है हमारी जो चेयर का सिस्टम है, तो हम लोग इसे लगा दिया है। अब इसके अपोजिट साइड हम लोग चलते हैं और उधर भी चेयर्स लगा देते हैं एक बार। तो इधर की तो काफ़ी सही लग रही है वैसे चेयर, ऊपर से जो फील आ रहा है। तो इधर की भी फटाक से लगा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा ये। तो हम लोग पहले इस मैट को हटाते हैं, क्योंकि मैट के बिना ये सब नहीं लग पाएंगी चेयर्स। तो यहाँ पर हमारी मैट जो है हट चुकी है। अब यहाँ पे इस लेयर में भी हम लोग चेयर लगा देंगे, फिर आगे देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। यहाँ पे मैंने ऑब्सीडियन के जो ब्लॉक लगाए थे वो वहाँ पे हटा के वुडन ब्लॉक्स लगा देते हैं, ताकि हम लोगों का वुडन का थोड़ा सा पिलर बने और उसमें हम लोग नेट लगाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग तो हमारी लग नहीं रही है, तो हम लोग यहाँ पे आग लगा के पहले देखते हैं कि आग क्या सही लगेगी। बट आई थिंक यहाँ पे वुड में आग लग रही है, तो कुछ अबे नहीं शिट, हम लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉपर्ट हो चुका। तो हमें फर्स्ट फट से पानी की बकेट चाहिए होगी ताकि हम लोग ये आग बुझा पाएँ, वरना हमारा पूरा कोर्ट राख हो जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे पानी डालते हैं ताकि आग बुझा सकें हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने आग डाल दी है, आग में मतलब पानी डाल दिया है ताकि वो पूरी अच्छे तरीके से शांत हो जाए। अब हम लोगों को सुबह तक आए थे, हमें अब सो जाना चाहिए ताकि उसको फिर पानी को जो रिमूव कर दूँगा मैं सुबह थोड़ा सा। उससे पहले हम लोग अपना बेड लगा के यहाँ पर सो जाते हैं ताकि थोड़ा उजाला हो जाए यहाँ पर। तो अब हम लोग निकल लेते हैं सोने की ओर। तो बेड हम लोगों का मिल चुका है, बट यहाँ पे हमारे थोड़ा डर्ट लगा देते हैं। डर्ट जो होगा ना वो पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हम लोग ये डर्ट रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना बेड लगा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो
यहाँ पे सो चुके हैं और यहाँ पे उठ चुके हैं। अब रिमेनिंग जो पानी बचा हुआ था ना वो भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना नेट जो है ना वो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे ग्लास का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग ग्लास क्यूब्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्लेन ग्लास जो यूज़ कर रहे हैं उससे ही हम लोग यहाँ पे अपना नेट कम्प्लीटली बनाएंगे। तो नेट बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि और हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को गेट भी अच्छे से बनाना पड़ेगा और उसकी एंट्रेंस भी बनानी पड़ेगी। तो अभी तक तब तक हम लोग ये पहले नेट कम्प्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं, गेट को टारगेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले फ्रंट डोर बना लेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े से जो स्टोन्स हैं ना पहले इन्हें तोड़ देते हैं ताकि हम लोग को एक मिड पॉइंट मिल सके। अब हम लोग को जो भी गेट बनाना होगा ना, अभी थोड़ा दूर से जाके अभी देखना पड़ेगा ना कि हम लोग का ये सेंटर में है या नहीं है। तो हम लोग फिर उसके बाद फिर काउंटिंग भी कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा हर चीज़ इक्वली दोनों तरफ से है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोगों के जो ब्लॉक्स निकल गए थे वो मैंने फ़िक्स कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं, थोड़ा वो दूर से जाके देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सही लग रहा है कि नहीं गेट। तो यहाँ पे अब हम लोग का ये जो गेट तो बन चुका है, बट यहाँ पे हम लोगों का अपना साइन के लिए यहाँ पे जीजी लिखना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा ज्ञाता गेमर को। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से जीजी का लोगो बना लेते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्योंकि कम्प्लीटली आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा तोड़ के उसके बाद हम लोग थोड़ा राइट साइड से लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम लोग थोड़ा एक ब्लॉक जो है ना लेफ़्ट साइड से बढ़ा लेते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो तोड़ देंगे थोड़े से, उसके बाद एक पॉइंट रख देंगे और एक हम लोग और बनाएंगे जो कि अपर साइड में हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग ये वाला तो हमारा सही लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा दूर जाके भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा सही लग रहा है, जीजी बिल्कुल पता चल रहा है। अब थोड़ा एक हम लोग जीजी जो है ना वो ऊपर भी लगाएंगे। तो ऊपर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर सही लगेगा या नहीं। तो वैसे ये काफ़ी शाइन कर रहा है और काफ़ी हाईलाइट कर रहा है, इसलिए हम लोग को ये सही लगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक्स भी गिन लेंगे कि कम्प्लीटली है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए थे तो हम लोग फिर से ज़रा लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो जीजी लिखा है ये हम लोगों ने यहाँ पे ग्लो स्टोन का यूज़ किया है। तो अब हम लोग एक जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा जीजी होगा तो वो थोड़ा बड़ा हम लोग लिखेंगे ताकि दूर दूर तक ये हमारा दिख सके कि हमारा ये मतलब कि बैडमिंटन कोर्ट है। तो फटाफट हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, थोड़ा दूर जा कर देख लेंगे कि क्या सही लग रहा है या नहीं। तो वैसे आई थिंक इनफ है, बट इसकी जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो आई थिंक हमें तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पर का तोड़ देते हैं और ऊपर का एक लेयर तोड़ देंगे शायद। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा जी भी बना लेंगे इसी तरीके से जैसे हम लोग ने पहला जी बनाया है। फिर दूर जा कर थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या सही हम लोग को लग रहा है या नहीं। यहाँ पे हमारा लोगो भी रेडी हो चुका है जीजी का, जो कि आप लोग इजीली देख सकते हैं। दोनों लोगो रेडी है और हमारा फाइनल लुक भी रेडी है। तो चलिए दिखाते हैं गाइज। आपको कैसा लगा हमारा बैडमिंटन कोर्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।